दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच रखी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है तो थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका दो दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते तो उसमें थोड़ा दो दाने चावल के डाल देते, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का तलदार पटक देते, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई पांच पैसे पटक देगा, बस पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली समृद्धि देगा, महाराज आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख हर हर महादेव। साथियों, अगर कुबेर निरंजन दीपक को खाली जलाया जाता है, अगर हम इसमें कुछ भी नहीं डाले और अगर इसे प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो विष्णु पुराण में वर्णित है कि वहाँ पर धन संपदा टिकती नहीं है, घर खाली होता जाता है। इसलिए कुबेर निरंजन दीपक में कुछ भी डालो, पर एक चीज़ डाल करके जरूर उसे प्रज्वलित करना चाहिए। चावल डाल दो, रुपये डाल दो, फूलों की पंखुड़ी डाल दो, जैसा गुरुदेव ने बताया कमल गट्टा डाल दो, कुछ भी डालो, पर इसे कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। चाहे इसे घी डालो इसमें, चाहे तेल, पर इसमें यह एक चीज़ कोई भी डालना जरूरी होता है, इसका यह नियम है। कुबेर निरंजन दीपक अगर आप घर में प्रज्वलित करते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जिससे घर के अंदर कुबेर बाबा, कुबेर भंडारी धन के भंडार भर देते हैं, वह घर कभी खाली नहीं होता है, वहाँ से कभी लक्ष्मी नहीं जाती है। का जहाँ पर कुबेर निरंजन दीपक में कुछ न कुछ डाल करके प्रज्वलित किया गया है। हाँ, अब प्रश्न आता है कि कुबेर निरंजन दीपक का लो बाती किस तरफ रखें। कुबेर निरंजन दीपक की बाती या तो हमें पूरब दिशा में रखनी है, और धन संपदा अगर चाहिए, धन संपदा वैभव के लिए हम जला रहे हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ बाती का मुख करके इसे प्रज्वलित कर देना चाहिए। और अगर हम रोजाना भगवान के मंदिर में जला रहे हैं, हम नित्य प्रतिदिन इसे हम प्रज्वलित कर रहे हैं, तो पूरब दिशा की तरफ भी बाती का लो रख करके प्रज्वलित कर सकते हैं। तो नियम आपको बता दिए गए हैं। आप किस दीपक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो, अगर आपके कोई प्रश्न हैं कमेंट करें, हम उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। एक बार फिर से साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।